क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम 10 ऐसे टिप्स पर बात करेंगे जो आपके सीजी वापम एग्जाम्स निकालने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला टिप्स रिवीजन। रिवीजन क्यों ज़रूरी है ये मैं बताता हूँ। मैं उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है, क्रिकेट में कुछ आपके फेवरेट प्लेयर होंगे और उन फेवरेट प्लेयर में कई लोगों को टीम से बाहर किया हो गया होगा। जैसे मेरे फेवरेट प्लेयर थे सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। अब वीरेंद्र सहवाग ले लो, राहुल द्रविड़ ले लो, सौरव गांगुली ले लो, ये सब ऐसे खिलाड़ी थे जिनको इसलिए बाहर नहीं किया गया कि इनको खेलने नहीं आता था, बल्कि इसलिए बाहर किया गया क्योंकि जिस मैच में इनको परफॉर्मेंस देना था उस मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया। ठीक, समझ आ रही बात? कहने का अर्थ यह है कि आप भी एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पता नहीं कितने सालों से कोई चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप उन चीज़ों को संकलित करके ना रख पाएँ। और एग्ज़ाम में जो 3 घंटे बैठते हो आप, उस 3 घंटे में आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो उस उतने सारे जानकारियों का, उतने सारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रिवीजन पर काफ़ी फोकस करना है। रिवीजन पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि देखिए, अगर कोई बच्चा एक साल पहले से कोई चीज़ पढ़ा है और एक साल पहले पढ़ने के बाद सीधा आज एग्ज़ाम है तो एक दो दिन पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिवाइज करके नहीं रखे हुए हैं, तो कोई नया बच्चा आएगा, कोई एक महीने पहले पढ़ेंगे, उसको तो तरोताज़ा याद है। और आपको रिवीजन करने की ज़रूरत थी, जो आपने रिवीजन नहीं किया तो क्या मतलब रह गया, वो एक महीने पढ़ा हुआ बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो आप कितने साल पहले से पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सारी चीज़ें रिवीजन करके रखनी है। आप पूछोगे इतने सारी चीज़ें पढ़े हैं कैसे रिवाइज होगा, तो देखिए, कुछ भी नया पढ़ने से पहले आपको पुराने चीज़ों का रिवीजन करना है। और जब तक कंट्रस्ट ना हो जाए, जब तक आप कंफर्म ना हो जाए कि पुरानी चीज़ें सभी मुझे याद हैं, हो चुकी हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़िए। ठीक है, तो पुरानी चीज़ों को रिवीजन करना काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको रिवीजन पे काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, पहला चीज़ रिवीजन पे काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, रिवीजन, अब रिवीजन करने का तरीका कैसे हो सकता है मैं और आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। दूसरा टिप्स है वैरायटी। अब ये क्या चीज़ वैरायटी, कई सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर हम लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो देखिए, मैं आपको बोलूं कि आप सुबह रोटी सब्जी खाइए और सब्जी में भी एक ही सब्जी, गोभी सब्जी खाइए, दोपहर में भी वही खाइए, शाम में भी वही खाइए, रात में भी वही खाइए, दिन भर बस वही खाइए, तो आप तो बोर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे रोटी सब्जी खा खा के, और वो भी सब्जी में एक ही प्रकार की सब्जी। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हुए हों, कई बच्चे एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं कि ये सोच के कि मैं आज पूरा दिन भर में कवर कर दूंगा, दिन भर में खत्म कर दूंगा, एक हफ्ते के अंदर पॉलिटी खत्म, एक हफ्ते के अंदर हिस्ट्री खत्म, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठोगे सुबह शाम दोपहर रात एनी टाइम, तो आपका दिमाग काफ़ी जल्दी थक जाएगा, उसको वैरायटी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे आपकी जो इंद्रियां हैं वैरायटी डिमांड करती हैं, आपको सुबह रोटी चाहिए, शाम को चावल चाहिए, बीच में स्नैक्स चाहिए, अलग अलग खाने को आइटम चाहिए। ठीक उसी प्रकार आप अगर आधे घंटे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे जैसे ही मन थकने लगे तुरंत 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर आधे घंटे या 1 घंटे दूसरे सब्जेक्ट पकड़िए। ऐसे कर करके आपको दिमाग को पता भी नहीं चलेगा कि वो कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इतना लंबे टाइम तक आप बैठने, आपकी बैठने की कैपेसिटी बन जाएगी, सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो सीटिंग कैपेसिटी है 1 घंटे 1.5 घंटे जो है उसको 3-4 घंटे तक ले जा सकते हो। वैराइटीज पढ़ना चालू कर दीजिए, अलग अलग, जैसे मैथ्स हो गए, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना चालू करिए। इससे क्या होगा, आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और आप अगर सोचिए आप आधे घंटे पढ़ रहे हो और कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ रहा है, तो आप आधे घंटे पढ़ के उस 4 घंटे पढ़ने वाले बच्चे को मात नहीं दे सकते। ठीक है, वो एकदम ज़्यादा गैप कर दे रहा है, हो सकता है क्वालिटी स्टडी में पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो 2-3 घंटा मैनेज हो जाएगा, बट वो आप दे रहे हो आधे घंटे, कोई बच्चा दे रहा है 4 घंटा, कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो आपको उनको आउटवर्क करना है, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है आपको। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब तीसरा चीज़ है इनपुट आउटपुट रेशियो। अब ये क्या चीज़, फिर मैं एक उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको कहूँगा कि एक कंपनी में आपको जॉब मिलने वाली है, 8 घंटे की जॉब है, XYZ कंपनी है,
इस प्रकार का काम रहेगा, ये नेचर आपका काम रहेगा, और आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 10,000। आपका कोई मित्र आया, आपको बोला ठीक उसी प्रकार की कंपनी है, वही वर्कलोड है, उतना ही प्रेशर है, उतना ही स्ट्रेस है, उतना ही घंटे का काम है, और सैलरी 10,000 के जगह आपको 1,00,000 रुपये मिलेगी। तो अब यहाँ पे आप समझदारी दिखाने वाला काम करोगे, आप सोचोगे 10,000 रुपये मिल रहा है उतने ही घंटे काम करके, और उतने ही घंटे काम करके 1,00,000 रुपये मिल रहा है, तो मैं 1,00,000 को क्यों ज्वाइन नहीं करूँ। बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये समझदारी आप वहाँ तो दिखा दे रहे हो प्रैक्टिकल, लेकिन एग्ज़ाम में क्यों नहीं दिखाते। कहने का मतलब है, अगर मैं 150 मार्क्स जो व्यापम का एग्ज़ाम होता है उसको मैं 2 भागों में बांटता हूँ, 75 ईजी 75 हार्ड, हार्ड भी हार्ड ना होकर मतलब टाइम टेकिंग कहने का मतलब रहता है, ठीक है। एक में 75 मार्क्स मिलेंगे बहुत कम समय देकर, और एक में 75 मार्क्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा समय देकर। तो आपके लिए समझदारी वाली बात क्या होगी कि आप वो 75 मार्क्स जो ईजी है, जिसमें टाइम कम मिलता है, उसमें आप जिसमें टाइम कम लगता है उसमें आप फोकस करिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर आता है 20 मार्क्स का, नॉर्मल जो व्यापम के एग्जाम्स रहते हैं 150 के हिसाब से 20 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, वो 20 मार्क्स आप 2 से 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता आपको कंप्यूटर चलाना आता हो नहीं आता, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। आप वो 20 मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आप किसने भी लो स्टूडेंट हो 1 हफ्ते में खत्म कर सकते हो, 1 हफ्ते में 20 में 18, 19, 20 तक स्कोर कर सकते हो। और वही चीज़ आप लेके चले जाइए, कोई इतिहास पकड़ लीजिए, संविधान पकड़ लीजिए, 3-4 जो इंडियन जीएस के सब्जेक्ट हैं उसको आप पढ़ने बैठोगे तो सालों साल लग जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, उसमें 20 मार्क्स स्कोर करना काफ़ी टाइम। तो सोचिए, एक आप 1 हफ्ता और एक आप 1 साल, तो 1 साल में 20 मार्क्स लेना ज़्यादा पसंद करोगे कि 1 हफ्ते में 20 मार्क्स। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 75 मार्क्स है ईजी वाले, जिसमें टाइम कम लग रहा है, इनपुट आउटपुट रेशियो कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट, ठीक है, कम टाइम ज़्यादा मार्क्स, आपको अंक अर्जित करने के लिए पढ़ना है ना कि ज्ञान अर्जित करने के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि दो अपने जो समय आप दे रहे हो उसको 2 हिस्सों में बांटिए। एक समय जिसमें टाइम कम लगे और मार्क्स ज़्यादा मिले उन 75 मार्क्स, अभी 75 में आता क्या क्या, हिंदी आता है 10 मार्क्स का, कंप्यूटर आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, रीजनिंग आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएस आ जाता है। तो ये सारी इजी स्कोरिंग है, ठीक है, इजी स्कोरिंग एरिया है। जिसके जस्ट विपरीत मैथ्स, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, मैथ्स वाले तो जल्दी स्कोर कर लेंगे, तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के मैथ्स टाइम टेकिंग लगता है उनको, इंडियन जीएस टाइम टेकिंग लगता है, और इंग्लिश अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश में भी थोड़ा टाइम लग जाता है आपको सॉल्व करने में। तो बराबर बराबर टाइम बांटिए, और जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको भी बराबर हिस्सा दीजिए, और इधर को भी कम मत आकिए, ठीक है। एक बच्चा कॉल करके मुझे बोल रहा था कि सर मैं कैसे पढ़ूं, 20 में कंप्यूटर मैं दिलाने जाता हूं, 20 में बिना पढ़े मैं 10 लेके आ जाता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो बाकी 10 को भी क्यों छोड़ रहे हो, जब आप उसको मालूम है कि 2-3 दिन पढ़ के वो बच्चे 10 को भी ला सकते हो, तो क्यों उसको छोड़ के जाना, क्यों बिना पढ़े जाना, पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये थे 3 टिप्स, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोज़ में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बाकी 7 टिप्स भी कवर करूँगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, अपने स्टेटस में रखिए। मेरे सभी स्टूडेंट से काफ़ी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वीडियोस आप अपने स्टेटस में रखिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में। इसके साथ ही मेरे पेड कोर्सेज भी चलते हैं सीजी वापम के, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, इस लिंक में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं, पेड कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल या मैसेज करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अभी वर्तमान में प्राइस 3,000 है कंप्लीट सीजी वापम का, तो आप यहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।